नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गुलाब को कटिंग से किस तरह से उगाना है वो सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन कटिंग्स जो हैं ये मैंने माली से मंगवाई थी, और ये तीनों कटिंग्स जो हैं मेरे हाथ से थोड़ी सी बड़ी हैं। इतनी ही कटिंग्स आपने भी लेनी है, इतनी बड़ी कटिंग्स लगाएंगे तो अच्छे से उगती हैं कटिंग्स। और इस कटिंग को जो है हम पुरानी मिट्टी में उगाएंगे, नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है उसके अंदर लिया है। अगर आप अपने आप से मिट्टी बनाते हैं, पुराने गमले की मिट्टी आपके पास नहीं है, तो आप जो मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर एडिशनल कंपोस्ट वगैरह कोई भी मत डालिए। गोबर की खाद, पत्ती की खाद, कोई खाद आप इसमें मत डालिए कटिंग लगाते हुए, वरना कटिंग के सड़ने के चांसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से काटा हुआ कटिंग को, थोड़ा सा एंगल दे के काटा हुआ कटिंग्स को, और इन कटिंग्स को हम लगाना सीखेंगे आज। दोस्तों, गुलाब की कटिंग्स जो है वो सर्दियों के टाइम में अच्छी लगती है। आप इसे अक्टूबर से लेकर के फरवरी के टाइम में लगाएंगे तो अच्छे से ग्रोथ करती है। गर्मियों के टाइम पे गुलाब की कटिंग नहीं लगाई जाती, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में चांसेस उसके उगने के कम हैं। तो आप हमेशा इसे अक्टूबर से लेकर जनवरी या फरवरी तक लगा सकते हैं। आप अभी भी इसे मार्च के फर्स्ट वीक तक भी लगा सकते हैं चाहें तो, लेकिन आप इसे बिल्कुल जो है छाया में रखिए, वरना कटिंग आपकी सूखने लग जाएगी। बाकी अगर आप ठंडे इलाकों से हैं तो ठंडे इलाके वाले लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो पूरे साल जो है गुलाब को लगा सकते हैं, गुलाब की कटिंग्स। और यहाँ मिट्टी को मैंने गीला कर लिया, पानी दे दिया मिट्टी को, मिट्टी हमेशा इसकी जो है वेट ही रहेगी, सूखने नहीं देना आपने मिट्टी को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है रूटिंग हार्मोन लिया है। रूटिंग हार्मोन जो है हर एक नर्सरी पर अवेलेबल होता है। रूटिंग हार्मोन ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपने भी रूटिंग हार्मोन लेना है। बिना रूटिंग हार्मोन के भी कटिंग्स लग जाती हैं, लेकिन अगर आप लेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रूटिंग हार्मोन में हमने डिप करके कटिंग्स को, जो आप देख रहे हैं, किस तरह से स्पेस करके लगा दिया है। हमेशा जब भी कोई भी कटिंग आप लगाएं, हमेशा जो है ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, 3 से 4 कटिंग एक गमले में लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएं। तो इस तरह से आप कटिंग्स को लगाएंगे, तीनों कटिंग्स को लगा देंगे। आप रूटिंग हार्मोन नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, मैं ले रहा हूँ। रूटिंग हार्मोन हर नर्सरी पे अवेलेबल है, वरना आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और इस तरह से हम तीनों कटिंग्स लगा देंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको गुलाब को कटिंग से ग्रो करना दिखाया, और आप देख सकते हैं तीन कटिंग्स मैंने लगाई थी, तीनों ही कटिंग्स में पत्ते आ गए हैं। और इन कटिंग्स को जो है मैंने बिल्कुल छाया में रखा हुआ है। कटिंग सक्सेसफुली लगाने का रूल यही है कि कटिंग्स को आप जो है धूप में मत रखिए, छाया में रखिए कटिंग्स को। और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए, मिट्टी को भी आप नॉर्मली पानी दें, जिस तरह आप और गमलों में पानी देते हैं सेम उसी तरह से आप कटिंग को भी पानी दें। साथ ही साथ जैसे ही इसमें पत्ते आ जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग्स को उखाड़ उखाड़ के देखने लगते हैं कि उसके अंदर रूट्स बनी है कि नहीं बनी है। तो आप इसे बार बार निकाल के मत देखिए मिट्टी से, और इसमें कोई अभी खाद मत दीजिए, चाहे केमिकल चाहे कोई भी ऑर्गेनिक, कोई अभी इसमें खाद मत दीजिए। वेट करिए जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे खाद देंगे और धूप में रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।